अंसारी खातून हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और उसने कहा हुजूर, एक अंसारी खातून हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और उसने कहा हुजूर, मेरे बेटे पर नजा का आलम तारी होने को है और उसकी अजीब हालत है, तो आप अगर तशरीफ लाएं तो आपकी मेहरबानी हो। तो हुजूर उसके घर तशरीफ ले गए। जब हजरत इजराइल किसी की रूह कब्ज करते हैं तो पांव की जानब से रूह कब्ज करते हैं, तो आका करीम अलैहिस्सलाम सरहाने की जानब जाके खड़े हो गए। तो हजरत इजराइल जब रूह कब्ज करने लगे तो आका करीम क्या कहते हैं, इरफिक या इजराइल बेसाहेबी हाजा, इजराइल ये मेरा है, इसके साथ नरमी करना। मेरे वालिद गिरामी जब ये हदीस बयान करते थे तो उनकी आंखों से आंसू थमते नहीं थे। हजरत इजराइल ने जवाब दिया, करे ऐना का, हुजूर आपकी आंखें ठंडी हो जाए, सिर्फ आपके इस उम्मती के साथ ही मेरा यह सलूक नहीं होगा, जो भी आपका उम्मती होगा उसकी रूह में नरमी से ही कब्ज किया करूंगा। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ये शफकत इस उम्मत पर अजीजुन अलैह मा अनितुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना इस नबी पर गरां गुजरता है। तो इसलिए हमें ये एजाज है कि हम हुजूर की उम्मती हैं और हमारे सारे दुखों का मदावा, हमारे सारे दर्दों का इलाज हुजूर की ज़ाते गिरामी है। इसलिए हम इस पर नाज भी करते हैं और इस पर शुक्राने के रंग भी इख्तियार करते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये हमारी अकीदतों का इजहार है, ये हमारी मोहब्बतों के बिखरते हुए रंग हैं और हमारी मोहब्बत इसकी मुतकाजी है कि हम उनके नाम के झंडे लहराएं, उनके नाम के पुरेरे लहराएं, उनके जिक्र में जुलूस भी निकालें, महाफिल का इनेकाद भी करें, अपने घरों पे चरागां भी करें, अकीदतों और मोहब्बतों में मिठाइयाँ भी बांटें। लेकिन ये इजहार मोहब्बत का एक सलीका है, शुक्राने का एक तरीका है और इसको हमें अदा करना चाहिए। किसी भी खुशी और मुसर्रत के मिलने पर दुनिया का दस्तूर है कि वो इजहार मोहब्बत के मुरवजा उसलूब को इख्तियार करते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत यहीं ठहर नहीं जानी चाहिए। जिस आका ने हमारे लिए गारे सजदा के नोकीले पत्थरों पर पेशानियां रख के दुआएं मांगी हैं, जो आका करीम हमारी दर्द और कसक को महसूस करते हैं और हमारा बेचैन हो जाना हुजूर के लिए बेताबी का बायस बनता है, क्या उस आका के लिए हम सिर्फ एक दिन का मिलाद करके या एक महीने की महाफिल का इनेकाद करके फिर अपने घर में बैठ जाएंगे, अपनी ख्वाहिश की जिंदगी गुजारेंगे, या उस आका और मौला का हमारे ऊपर हक है कि हम अपनी सारी जिंदगी उस आका के नाम लगा देंगे। तो आपका चरागा सिर्फ बनेरों पे ना रहे, कोई दिया लेके दिल की तारीख गलियों में भी आए और यहाँ भी चराग रोशन करें। आपने झंडियाँ लगाई, घरों को सजाया और जो है वो गलियाँ साफ कर दी कि हुजूर के मिलाद का यौम सईद है, तो बाजार भी सज गए, गलियाँ भी सज गईं। तो कहीं ऐसा ना हो हसद बुगज कीने और नफरत के कूड़े कबाड़ के ढेर हमारे दिलों में पड़े रहें। कोई झाड़ू लेके दिल नगर में भी आए और दिल नगर की भी सफाई करें, अंदर भी साफ हो, तुम्हारा जाहिर भी साफ हो, तुम्हारी गलियां भी साफ हों, दिल की गलियां भी शफाफ हों, तुम्हारे बनेरों पर भी चरागा हो, दिल की गलियों के अंदर भी हुजूर की मोहब्बत का चरागा हो, तो जाहिर भी सुथरा और बातिन भी सुथरा, फिर हुजूर के नाम पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देने का अज़्म कीजिए। आज का दिन तजदीद अहद का दिन है, हम अपने आका व मौला से आज अहद करें, हुजूर हम आपके लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ करने का अहद करते हैं, हम जिएंगे तो आपके लिए, हम मरेंगे तो आपके लिए, हमारी एक एक सांस आपकी याद में, आपकी मोहब्बत में, आपके लाए हुए निज़ाम के गलबे के लिए बसर होगी। तो अगर हम ये अज़्म करते हैं तो किस कदर हुजूर की खुशनुदी का बायस होगा। तो अपने मीलाद को एक दिन पर महदूद न कीजिए, चंद लम्हों और चंद सातों पर जुज वक्ती मोहब्बत से अपने आप को मुतमईन न कर लीजिए, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम से कुल वक्ती मोहब्बत कीजिए। हमारे आका व मौला ने हमसे जुज वक्ती मोहब्बत नहीं की कि हुजूर ने कुछ लम्हों के लिए हमें तालीम इरशाद फरमा दी और हमारे लिए कुछ लम्हों के लिए एहसास कर लिया, फिर उसके बाद हमें यूं ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हुजूर हमें ना जिंदगी में छोड़ा, हुजूर ना नजा के वक्त छोड़ते हैं, ना हुजूर हमें कब्र में छोड़ते हैं, ना हशर में छोड़ने वाले हैं। तो फिर हमें भी अपने आका के साथ मोहब्बत जुज वक्ती नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हमारा प्यार कुल वक्ती होना चाहिए और लम्हा लम्हा उनके साथ मंसूब कर देना चाहिए और उनके लाए हुए निज़ाम हयात को न सिर्फ अपने ऊपर नाफिजुल अमल करना है, बल्कि उस पैगाम को जो दायरा कार है हमारा उसमें उसको अमली तौर पर नाफिज करना है
और उसके बाद हम आका करीम अलैहिस्सलाम की खुशनूदी और हुजूर की मोहब्बत को एक नए रंग के अंदर अपने वजूद और अपने दिल के अंदर हम महसूस कर सकते हैं। तो आइए आज तजदीद अहद करते हैं, वादा करें अपने आका और मौला से कि हुजूर बाकी ज़िंदगी हमारी माजी की जो बीत गई सो बीत गई, हमने दरूदो सलाम के माहौल में, हमने नात के नगमात के इस माहौल के अंदर आपकी मोहब्बत को अपने सीने में फरावा पाया है और हम इस मोहब्बत को जुज़ वक्ती मोहब्बत नहीं बनाना चाहते बल्कि कुल वक्ती मोहब्बत की सूरत के अंदर हम इस मोहब्बत को ढालना चाहते हैं। तो हम अहद करते हैं कि हम अपनी सारी ज़िंदगी आपके नाम लगाते हैं, हम जिएंगे तो हुजूर आपके लिए, हम मरेंगे तो हुजूर आपके लिए, हमारी एक एक सांस आपके नाम होगी, हमारी ज़िंदगी की एक एक साथ आपके लिए वक्फ होगी, हम आपके दीन के लिए हर वक्त कोशा होंगे, आने वाली नस्लों को आपका प्यार सिखाएंगे, आपकी मोहब्बत सिखाएंगे।